फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक कुमार और भाई के साथ क्लासेज की तरफ से मैं आ गया हूं आपके लिए फिजिक्स लेकर। तो कल हमने देखा था यूनिट एंड डायमेंशन और उससे पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड अदर सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। देन आफ्टर वी लर्न अबाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में हम जानेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यूनिट एंड डायमेंशन से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस तरह से पूछे गए हैं और उनका सॉल्यूशन भी देखेंगे। तो आइए देखते हैं एक एक करके क्वेश्चंस कि कौन कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में और कौन से एग्जाम में आए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि कार्य का मात्रक क्या होता है। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, तो सबसे पहले जानते हैं कार्य का मात्रक होता क्या है। तो कार्य का मात्रक होता है जूल। जूल ए ऑप्शन, जूल बी ऑप्शन, न्यूटन सी ऑप्शन, वॉट एंड डी ऑप्शन डाइन। तो यहां पे न्यूटन और डाइन ये हो गए बल के मात्रक। बल न्यूटन जो है ये ऐसा ही पद्धति में न्यूटन बल कार्य का बल का मात्रक है और डाइन सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक है। और ये हो गया वॉट, ये है शक्ति का मात्रक। शक्ति का मात्रक और जो कार्य का मात्रक है वो है जूल। तो ये जान लेते हैं कि कार्य बराबर आखिर होता क्या है। तो कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन और बाकी सारे ऑप्शंस को भी हमने देख लिए। ये क्वेश्चन आया था आरआरबी 2005 में। ये क्वेश्चन पूछा गया था कार्य का मात्रक क्या होता है, जिसका आंसर होगा जूल। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष इकाई है। तो प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की, जो सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी की गणना के लिए रखा गया प्रकाश वर्ष। तो ये दूरी की इकाई है। समय की इकाई, समय की इकाई समय होती है प्रकाश की तीव्रता और द्रव्यमान, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं तीनों। समय, प्रकाश की तीव्रता मतलब ज्योति तीव्रता और ये द्रव्यमान। ये शायद क्वेश्चन आया है एनडीए एनडीए आरआरबी, ये भी 2005 में ही आया है आरआरबी। फिर एसएससी काफी सारे एग्जाम्स में आया है, एसएससी 2014 में। आगे है पारसिक इकाई है। तो पारसिक कल हमने पढ़ा था पारसिक किसकी इकाई है और ये तो पढ़ा था कल हमने पारसिक दूरी इकाई है जो दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। इसका मान होता है एक पारसिक बराबर बराबर 3.08 × 10⁻¹⁶ मीटर। ये पारसिक है जो दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। तो ये पारसिक एक पारसिक बराबर होता है 0.8 × 10⁻¹⁶ मीटर। आगे बी ऑप्शन में है विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश की इकाई होती है कूलम। नेक्स्ट है बल। तो बल का होता है हमने देखा ऊपर न्यूटन न्यूटन और सीजीएस में डाइन। और ये है समय, समय का इकाई सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर नंबर। तो फोर नंबर क्वेश्चन है पास्कल इकाई है। तो पास्कल इकाई है दाब की। पास्कल किसकी इकाई है, दाब की। पास्कल की इकाई होती है दाब। तापमान की इकाई होती है टेम्परेचर। टेम्परेचर यानी केल्विन, तापमान की होती है केल्विन। ये शायद क्वेश्चन आया है यूपी पीएस यूपीपीएससी में आया है क्वेश्चन। नेक्स्ट है कैंडेला मात्रक है ज्योति
कैंडेला किसका मात्रक है? तो फर्स्ट यूनिट इंडिपेंडेंस क्लास में हमने फंडामेंटल क्वांटिटी देखा था, तो कैंडेला ज्योति तीव्रता की इकाई थी, ज्योति तीव्रता की एक इकाई थी जो कि एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी। और ये जो दाब की इकाई है ये है पास्कल। विद्युत धारा की है करेंट यानी एम्पियर एंड समय का सेकेंड। ये भी ये क्वेश्चन आया है आरआरबी 2004 में, आरआरबी 2004 में। तो ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं प्रीवियस ईयर में। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा छठा क्वेश्चन है यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? तो यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं हैं? तो समान विमीय सूत्र किसके किसके नहीं है तो पहले देखना पड़ेगा। तो पहले देखते हैं भार और बल का। तो भार बराबर होता है, भार बराबर बल गुना गुरुत्वीय त्वरण यानी कि बल द्रव्यमान यानी कि m इंटू जी। तो m इंटू जी यहाँ पे जी का होता है यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और यहाँ पे होता है मास का केजी। तो यहाँ पे इसका अगर निकालने जाएंगे विमीय सूत्र यानी कि डायमेंशन तो हो जाएगा एम वन मीटर एल वन और यहाँ पे टी माइनस टू। अगर देखते हैं बल का इसमें तो बल का हो गया एफ बराबर एम ए, यहाँ पे एम का हो गया डायमेंशन केजी यूनिट केजी और एक्सेलरेशन का हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे दोनों सेम है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, भार का भी यूनिट आया और बल का भी यूनिट आया तो दोनों का डायमेंशन सेम होगा तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं आवेग में। तो आवेग और संवेग p बराबर mv होता है और ये हो गया संवेग। तो संवेग का हो गया केजी, m का हो गया केजी और v का हो गया मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हो गया m1 l1 t सॉरी आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, फिर से करते हैं आवेग और संवेग का। अब यहाँ पे आवेग और संवेग का करते हैं तो संवेग p बराबर होता है एम वी। तो m का यूनिट हो गया केजी और v का यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे इनका डायमेंशन लिखते हैं तो हो गई ये एम वन एल वन टी माइनस वन। अगर आवेग का देखते हैं आवेग तो आवेग बराबर होता है आवेग बराबर होता है बल गुना समय अंतराल। तो यहाँ पे बल हो गया एम ए और ये हो गया समय अंतराल टी। तो एम ए एक एक्सेलरेशन को वेलोसिटी बटा में टाइम गुना टाइम से टाइम गया, ये भी एम भी हो गया तो इसका भी डायमेंशन संवेग के बराबर होगा। अब आते हैं कार्य और ऊर्जा पे। तो कार्य और ऊर्जा पे आते हैं तो कार्य बराबर होता है
वर्क बराबर बल गुना विस्थापन। तो बल बराबर हो गया एम ए इंटू एस, तो ये किसका हो गया केजी, किसका हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये जो है विस्थापन ये भी मीटर है, लंबाई है, तो इसका भी यूनिट हो गया मीटर, तो यहाँ पे स्क्वायर। अब इसका डायमेंशन लिखते हैं, तो m1 l1 l2 t-2। अब अगर आते हैं ऊर्जा में, तो मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी लेके चलते हैं, तो हाफ एम वी स्क्वायर, तो m का ये तो टर्म कांस्टेंट है तो इसका डायमेंशन नहीं होगा। अब एम वी स्क्वायर का देखते हैं, तो m का हो गया के जी वी स्क्वायर, तो वेलोसिटी क्या होता है यूनिट मीटर पर सेकेंड, दोनों तरफ स्क्वायर है तो दोनों तरफ स्क्वायर लगेगा, तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे कार्य के बराबर ऊर्जा का यूनिट आया, तो डायमेंशन भी सेम होगा। अब देखते हैं बल का, बल और दाब का, तो यहाँ पे हम लोग बल यानी कि फोर्स बराबर एम ए, तो एम ए बराबर हो गया, एम का हो गया के जी और ए का हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पे इसका डायमेंशन हो जाएगा m1 l1 e-2। अब देखते हैं दाब का देखते हैं, तो दाब बराबर होता है दाब बराबर बल बटा में क्षेत्रफल, क्योंकि प्रति इकाई क्षेत्रफल से लगने वाले बल को दाब कहते हैं, तो बल का हो गया एम ए और बटा एरिया हो गया ए स्क्वायर, तो एरिया का यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर, और एम ए का हो गया के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक मीटर से एक मीटर कट जाएगा, तो बच गया क्या चीज के जी मीटर इनवर्स केजी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे इसका डायमेंशन होगा m1 l-1 e-2। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो बल का डायमेंशन है m1 l1 t-2 और m1 l-2 t-2, ये दोनों डिफरेंट है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है, तो हमको मिल गया कि बल का समान विमीय सूत्र नहीं है। तो ये क्वेश्चन आया है आरआरबी 2002 में, और ये आरआरबी 2005 में आया है, आरआरबी 2005। तो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं जो हमने देखा, ये थे प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। थैंक यू।